तो ये देखिए, सबसे पहले हमें ये एक फैब्रिक जो हमने यूज करना है वो लिया है। इसकी हमने स्ट्रिप ली है जो चौड़ाई में 7 इंच चौड़ी है, जिसको हमने डबल कर लिया तो 3.5 इंच है, और लंबाई इसकी 35 इंच है। टोटल 35 इंच की लंबाई है इसकी। तो अब इसको हम इस तरह से उल्टी तरफ से पलट के और दोनों साइड से सबसे पहले हम इसे बंद कर देंगे सिलाई लगा के। तो ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ से बंद कर दिया है। अब हम बंद वाली साइड हम नीचे रखेंगे इसमें भी, और ओपन वाली साइड ऊपर रख के इसमें हम वही प्लेट्स डालकर अपनी लड्डू गोपाल की कमर के हिसाब से इसमें भी कमर तैयार कर लेंगे, और फिर इसमें बेल्ट जोड़ के और बेल्ट में डोरी लगा के इस तरह से ये हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। ये देखिए, प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। देखिए कितना अच्छा घेरा तैयार हुआ है, एकदम अच्छा फील वाला। अब इसमें हम ये बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा अब नीचे का घेरा तैयार है। अब हमें चोली तैयार करनी है। तो उसके लिए ये देखिए, ये हमने दो पट्टियां ली हैं, जिसका साइज मैं आपको बता देती हूँ। इसका हमने साइज लिया है 6 इंच लंबी है और ये 2.5 इंच चौड़ी है। दोनों पट्टियां सेम साइज की हैं, जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधा दोनों में अंदर की तरफ है। इसको हम पहले लंबाई में और फिर चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए, और ये हमने एक छोटा सा गोल निशान लगाया है हमारे लड्डू गोपाल के गले के लिए। इसको हम कट कर लेंगे ये इस तरीके से, और इसमें हम आगे की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ देने के लिए एक वी शेप देंगे छोटी सी। हम गला थोड़ा उनका डिजाइनर कर रहे हैं इसलिए, और पीछे की तरफ हम कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको खोल लिया था इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं ऐसे गोल गला, इस तरीके से गोल, और नीचे से आगे वी शेप। पीछे का हम सेंटर में से पूरा कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम पहनाएंगे हमारे लड्डू गोपाल को तो इसीलिए हम उनको चोली पहना सकें। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से चला के ऐसे लाएंगे, पूरे गले से होते हुए इधर गले से इधर गले पे, और फिर यहाँ से सीधी बाहर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इधर से बंद कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक सिलाई लगा ली है, हम इसको पलट लेंगे। एक सेकंड पॉज की बोल लो, पॉज कर एक बार। ये देखिए, अब ये हम पलट चुके हैं। इसमें इधर गोल शेप बन गई है ऊपर, इधर वी शेप है। अब हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे, और जो ये यहाँ से खुला हुआ है इसको भी हम अंदर इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिल्के से फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने सारी तरफ सिलाइयाँ लगा दी हैं, इधर से बंद भी कर दिया है, और पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा सिल दिया है, सिर्फ गला खुला छोड़ा है। अब हम इसमें आगे की तरफ एक डोरी लगा देंगे, ताकि हम चोली जब पहनाएं हम इसे बांध सकें। ये देखिए, डोरी भी लग गई है, और अब हम इस तरह से
ये हमारे लड्डू गोपाल को हम पहना सकते हैं, हमारी चोली भी तैयार है। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस कम्प्लीटली तैयार है। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है ये, हमारे लड्डू गोपाल इसमें बहुत सुंदर लगने वाले हैं। हमारे लड्डू गोपाल को नजर भी नहीं लगेगी जब वो काली ड्रेस पहनेंगे, तो काली नजर का टीका भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है। इस पर हम थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको, आप हमारी जो हमने इसकी फोटो डाली हुई है हमारे लड्डू गोपाल ने जब पहनी हुई है, आप उसको देख के उनको उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद कितने सुंदर लगेंगे आपके लड्डू गोपाल भी जैसे हमारे लग रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।